दोस्तों नमस्कार, आपके प्यार के लिए, आपके स्नेह के लिए धन्यवाद। आप जो लगातार मुझे अपना स्नेह दे रहे हैं, लगातार मुझसे पूछ पूछ के फ़ोन से बात करके अपने स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे भी मुझे पसंद करते रहिए, लाइक करते रहिए और स्वास्थ्य लाभ लेते रहिए। दोस्तों आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही कॉमन है और लगभग हर तीसरे भारतीय को ये बीमारी है। तो बहुत आम सी बीमारी है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट ऐसा है कि अगर एक बार शुरू हो जाता है अंग्रेजी दवाइयों में तो फिर ये ज़िंदगी भर चलता है। तो इसलिए हम इसको आयुर्वेद से बिल्कुल ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ मधुमेह यानी कि डायबिटीज़। जी हाँ, हर घर में लगभग अगर 5 लोग घर में हैं तो 2 लोगों को डायबिटीज़ है। ये कॉमन सी एक सर्वे से रिपोर्ट आती हैं। और पहले तो ये किसी किसी को हुआ करता था और अब तो ये हर किसी को हो रहा है। डायबिटीज़ का सीधा सा मतलब ये है कि आपके शुगर के अंदर, आपके ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाना। ब्लड के अंदर जब शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो वो हमारी कहलाती है डायबिटीज़। इतनी शुगर हो जाना कि जो आपका शरीर पचा नहीं पा रहा। होता क्या है दोस्तों, जब कभी भी आपको भूख लगती है, जब कभी भी आप खाना खाते हैं तो आपके पेनक्रियाज से निकलने वाला जो इंसुलिन है वो इंसुलिन जाता है आपके आंतों तक, और जो आपके जो आपका खाना है वहाँ तक जाता है। जो आपने खाना खाया है उस खाने के अंदर जो शुगर है उसको पचाने का काम करता है। लेकिन जब वो इंसुलिन बनना कम हो जाता है, खाना आप उतना ही खा रहे हैं, इंसुलिन कम बनना है, तो जो एक्सेस में खाना बचता है, जो खाना बचेगा पेट के अंदर, जो नहीं बचेगा, जो अनडाइजेस्ट रहेगा, उसकी जो शुगर है वो आपके ब्लड में मिलके आपको ब्लड शुगर बनाती है। एक बार ये बैलेंस बिगड़ जाए पेनक्रियाज का, तो अगर शुगर ज़्यादा भी होती है आपके ब्लड में तो भी नुकसान करती है, कम होती है तो भी फिर आपको नुकसान करना शुरू कर देती है। दोनों ही अवस्था में व्यक्ति के लिए बहुत सारी परेशानियाँ हैं, क्योंकि ब्लड हमारे पूरे शरीर में जाता है तो शुगर भी हमारे पूरे शरीर में जाएगी और हमारे विभिन्न अंगों को ख़त्म कर देगी। तो इसलिए इसको जो है बीमारी नहीं बोला जाता, बल्कि इसको बोला जाता है कि एक डिसऑर्डर है, यानी कि ये आपके शरीर का एक ऑर्डर ख़राब हो गया। तो ये बीमारी नहीं है, डिसऑर्डर है, और ये ऑर्डर ठीक हो सकता है अगर आप आयुर्वेद की तरफ थोड़ा सा आएंगे। अंग्रेजी दवाइयाँ तो सिर्फ कंट्रोल करके रखेंगे, पूरी ज़िंदगी खानी है, लेकिन आयुर्वेद ये कहता है कि अगर आप सही दवा लेते हैं तो हम आपकी जो बिगड़ी हुई पेनक्रिया है, पेनक्रिया का बिगड़ा हुआ फंक्शन है, उसको हम ठीक कर सकते हैं और फिर आपको वो ज़िंदगी जीने को मिल सकती है जो ज़िंदगी अभी तक आप जी रहे थे। तो आपको अगर पुरानी ज़िंदगी वही जीनी है, उसी अवस्था में जीनी है नॉर्मल, तो कुछ दिन परहेज करिए। परहेज वही जो एक अंग्रेजी डॉक्टर बताता है, कॉमन से परहेज है, वो कॉमन से परहेज आप करते रहिए। और साथ में आयुर्वेद का एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो कि बहुत रिसर्च के बाद बना हुआ है, पेटेंटेड प्रोडक्ट है। डॉक्टर पीटर जोसलिंग ने इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च करी है, साइंटिस्ट ने, और इस प्रोडक्ट का नाम है डायवालाइफ। ओन एंड ऑन कंपनी इसको देती है, 32 देशों में बेचने का अधिकार ओन एंड ऑन कंपनी के पास है। इसके साथ हम थोड़े से प्रोडक्ट और भी चलाते हैं जो कि आपके पेन क्रियाज को दोबारा एक्टिव करने के काम आते हैं। तो उन प्रोडक्ट को चलाने के बाद ये डायवालाइफ जो है वो आपके शरीर को बिल्कुल ठीक करता है, और पेन क्रिया जब आपकी बाकी प्रोडक्ट चला के एक्टिव हो जाएंगी तो आप अपनी बची हुई ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से एक साधारण व्यक्ति की तरह से जी पाएंगे। आपको ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं होगा कि आपको डायबिटीज़ हुई थी, क्योंकि मैंने इसको बहुत करीब से देखा है, मैंने अपने ऊपर भी प्रैक्टिकल किया है, इसलिए आई एम डेट श्योर अबाउट दैट। मैं 200% श्योर हूँ इसके बारे में, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं इसके। तो मैं ये कहूँगा कि आप इस प्रोडक्ट का सेवन कर सकते हैं, साथ में हमें कुछ और चीज़ें देनी होंगी और आप जो हैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे पहले की तरह से, और फिर आप अपना सामान्य जीवन जी पाएंगे। और आप बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हेल्दी रहिए, यही हमारी कामना है। और अगर आपको पसंद आ रही है, मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरी बातें पसंद आ रही हैं, तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको और आने वाली यूज़फुल वीडियो आपको मिलती है। थैंक यू।